नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और कल लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे आने हैं, लेकिन मतगणना से पहले देखिए नीरज कुमार मां ब्राह्मणी देवी के मंदिर पर माथा टेकने पहुंचे हैं। ये वीडियो नीरज कुमार ने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया और ये ब्राह्मणी देवी का मंदिर, ये ब्राह्मणी स्थान लदमा गांव में है। लदमा गांव जहां अनंत सिंह का जन्म हुआ, अनंत सिंह का गांव, अनंत सिंह का घर लदमा के ब्राह्मणी मंदिर पर नीरज कुमार पहुंचे हैं, जो ललन सिंह के गुट के हैं, टीम के हैं, जदयू के हैं। और अब देखना है कि मां ब्राह्मणी अपने किस भक्त को आशीर्वाद देती है, जीत का आशीर्वाद देती है कि लोकसभा जीत कर वो दिल्ली जा सके। एक तरफ उन्हीं का गांव, अनंत सिंह का गांव लदमा, जिसमें मां ब्राह्मणी देवी का मंदिर है, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी कांग्रेस की टिकट पर उम्मीदवार हैं, उनके सामने बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है। और आपको याद होगा कि ललन सिंह ने मुंगेर के रण की शुरुआत अनंत सिंह के गांव से ही की थी, लदमा से की थी, और उसकी महाकवरेज लाइव सीरीज ने आपको दिया था। और एक बार फिर से लदमा के मां ब्राह्मणी स्थान में नीरज कुमार पहुंचे हैं माथा टेकने, पूजा करने। आगे देखना होगा कि मां ब्राह्मणी किसे ज्यादा शक्ति प्रदान करती है जो कि लोकसभा में विजयी हो। कल नतीजे आने हैं, दोनों ही कैंडिडेट बहुत मजबूत और कांटे की टक्कर पूरे ही चुनावों में हमें देखने को मिली। अब नतीजों का वक्त आ गया है। नतीजे से पहले मां ब्राह्मणी के मंदिर में माथा टेक रहे हैं जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, ताकि उनके नेता ललन सिंह चुनाव जीत सके। मगर अनंत सिंह ने भी इस रण की शुरुआत इसी मंदिर में माथा टेक कर की थी, और ये अनंत सिंह का ही गांव है लदमा, जहां यह मंदिर स्थित है। तो अब देखना है कि ब्राह्मणी माँ किस भक्त को ज़्यादा शक्ति देती हैं। लेकिन लोकसभा का ये रण रोमांचक रहा, खासकर मुंगेर के लिए, क्योंकि एक तरफ ललन सिंह तो दूसरी ओर अनंत सिंह, कभी के अच्छे दोस्त, अब आमने सामने। कई आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। वो पल भी आपको याद होगा जब अनंत सिंह ने खुद को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित कर लिया, और बाद में कांग्रेस को भी अनंत सिंह के नाम पर मुहर लगानी पड़ी। उनकी पत्नी को मुंगेर से लोकसभा का टिकट दिया गया मजबूती से। दोनों ही कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा और नतीजे का वक्त अब नज़दीक है। लेकिन नीरज कुमार अपने फेसबुक पर यह तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं जब वो माथा टेक रहे हैं मां ब्राह्मणी देवी का और विजय आशीर्वाद मांग रहे हैं कि लोकसभा में उनके कैंडिडेट ललन सिंह को विजयी बनाया जाए, उनके नेता ललन सिंह को विजयी बनाया जाए। आप लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हर अपडेट हर खबर आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम। तो अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।